सर सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 आ चुकी, कैसी लगी आपको? कमाल की, बहुत ही कमाल की, दिल खुश हो गया कसम से, गूज़बम्स आ गया यार। दीपावली में बेस्ट गिफ्ट मिला है मेरे को तो टाइगर 3 मिला है। अच्छा, मतलब दिवाली का धमाका मिल गया आपको। आतिशबाजी तो फिल्म के अंदर हुई है सर, हालांकि ऋतिक रोशन का जो कैमियो है तो उसमें उन्होंने ज्यादा एक्शन नहीं किया, उनका थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन टाइप का आया है तो वहीं पास सीटियां बज गई और शाहरुख खान आते तो पहले हाथ पैर चलाते मतलब एक्शन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शानदार लगा सर। और सलमान भाई जान भी फुल स्वैग में दिख रहे हैं और कैटरीना भी बोल्ड अवतार में वो भी एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, इमरान हाशमी वो भी एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि जो लोग एक्सपेक्टेड थे, मतलब कि जो लोगों को ये लगता था कि बॉलीवुड की मास मसाला एक्शन वाली फिल्म नहीं आ सकती, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है क्योंकि साउथ इंडस्ट्री से भी बेस्ट फिल्म निकल कर आई है सर। म्यूजिक कैसा था इस फिल्म का? भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। म्यूजिक कैसा लगा इस फिल्म का? म्यूजिक काफी अच्छा, प्रीतम ने एक नंबर का म्यूजिक दिया, वो लेजेंड आ गया, उनकी म्यूजिक की क्या डाउट करना, लेकिन जो दुआ है दुआ करके अरिजीत सिंह का सैड ट्रैक है वो मेरा फेवरेट बन चुका है, बहुत ही कमाल है सर। और आपको जैसे मैंने कहा कि एक्शन के मामले में एक नया एक्सपीरियंस देगी और जैसे कि यूनिवर्स आ रहा है इनका तो हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा जो डायलॉग है ऋतिक रोशन का तो उसको देखकर तो ये लग रहा है कि वॉर 2 में दोनों ही देखने को मिलेंगे, मतलब शाहरुख भी सलमान भी, तो मतलब तीनों फिर उसमें देखने को मिलेंगे, ये उसमें NTR भी रहेंगे तो और ज़्यादा कमाई करेंगे। यस, तो आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, फुल एंटरटेनिंग लगेगी और देशभक्ति फैमिली इमोशंस हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म को 5 से कितने स्टार देंगे? मैं इसको सर 5 से पूरे 5 स्टार दूंगा। ओके, थैंक यू।